हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, मतलब फर्स्ट वीडियो 2023 की। और सबसे पहले भाई सबका स्वागत करना चाहूँगा 2023 के अंदर। और गाइस, मैंने पेपर दिया था पीटी का 31 तारीख को, 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर ईव पे, मतलब नए साल से पहले ही। और ये तो अच्छा है कि भाई अपना आ गया रिजल्ट और हो गए पास, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को। तो मैंने उसका भाई एक व्लॉग बनाया था, और मतलब कैसे क्या सिस्टम था, तो मैंने एक वो व्लॉग बनाया था, तो वो वीडियो आप पहले देखो, ठीक है। और आज तारीख है भाई, आज एक सेकंड देखो, मेरी तारीख नहीं पता। हाँ, आज 5 तारीख हो गई भाई, 5 जनवरी। और परसों जाना अपने को एक ट्रिप पर, व्लॉग उसके भी आएंगे। मतलब ये 5 तारीख है ना, आज 5 तारीख को ही डाल दूंगा भाई ये व्लॉग, तो भी एडिट करके तो ये व्लॉग डल जाएगा, या फिर कल सुबह 6 तारीख को आ जाएगा। तो परसों जाना है अपने को बाहर। तो अभी मैंने एक वो व्लॉग बनाया था पीटी वाला, तो उसको चालू करते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी बंदा पीटी का पेपर देने जाता है, कहीं भी जाना है भाई, बाहर जाना है बंदे को, तो पीटी का जो पेपर होता है उसकी पूरी मैं बता दूंगा भाई, कैसे क्या क्या सिस्टम है। एक सेकंड यार, फोकस, हाँ अब सही है। तो क्या सिस्टम है, कैसे क्या होता है, तो उसका मैंने एक व्लॉग बना लिया था, तो उसको मैं मतलब दिखाता हूँ। कोई टेंशन नहीं लेनी, सबका होता है भाई, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं गया था भाई पेपर देने गुड़गावा, टाइम्स टावर वाला मेरा सेंटर था, ठीक है। और मेरी टाइमिंग थी 31 दिसंबर 2022, और जो टाइमिंग थी वो थी 2:45 की, 2:45 दिन के, मतलब दिन के ही होंगे, लेकिन यार उसके थोड़ी टाइम भी इधर उधर होते हैं, मतलब थोड़े उल्टे सुलटे दिखाता है। और मतलब सबसे बेस्ट अभी तक तो वही है, क्योंकि सबसे जल्दी टाइमिंग वहीं की मिल रही है अपने। मतलब बहुत सारे मतलब भाई आए हुए थे, कोई सिरसा से आया हुआ था, कोई कैथल करनाल, कोई श्रीगंगानगर से आया हुआ था, कोई राजस्थान से आया हुआ था। तो मैंने बोला भाई यार वहाँ पर भी तो सेंटर है, तुम इतनी दूर क्यों आ रहे हैं। कह रहा भाई मतलब बड़ी मतलब लेट लेट दे मतलब डेट नहीं मिल रही है इसी की, सबसे पहले मिल रही है गुड़गांव वाले की। तो मेरा भी सबसे बड़ा भाई यही रीज़न था, मेरे को भी गुड़गांव वाले की डेट सबसे पहले मिली थी, वरना यहाँ पर अपने सीपी में एक सेंटर है, तो मैं वहाँ पर भी जाकर देके आ सकता था, लेकिन गुड़गांव वाले की जो डेट है वो सबसे पहले मिली थी। तो मैंने 20 के आसपास अप्लाई किया था, और मेरी 31 तारीख की डेट मिल गई थी, तो दिया था मैंने पेपर। अब उस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, बाकी एंड में बता दूंगा मैं क्या प्रोसीजर होता है, कैसे 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 क्या क्या करना होता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसानी पेपर होता है भाई, अगर आपने प्रैक्टिस करी अच्छी खासी तो आप कर दोगे क्रैक। और भाई मैं तो चाहूँगा कि सब अच्छे अच्छे अपना स्कोर लेके आए, अच्छे अच्छे स्कोर लेके अपना फाइल वाइल लगाओ और जाओ भाई जिसको जहाँ जाना है। तो अभी हम कर देते हैं स्टार्ट वीडियो को, तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। मतलब कुछ भी मेरे को समझाना होगा तो मैं समझा दूंगा भाई पे। चले भाई, चलने के लिए रेडी हो गए। चले भाई थोड़े मेट्रो तक चलो। चलो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि हरियाणा जाना है मेरे को। चल ही जा यार, बहुत शौक करा गया। तो गुड़गावा जाना है मेरे को, मेरा सेंटर गुड़गावा पड़ा है, कोई MG रोड टाइम स्क्वायर में, तो वहां जाना है मेरे को। तो चलते हैं अभी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, फर्स्ट अटैम्प्ट भी है, और उम्मीद है कि हो जाएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रिप टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगा, कैसे कैसे क्या किया मैंने, और जो भी डाउट होते हैं सबको होते हैं भाई, क्योंकि सब फर्स्ट टाइम ही आते हैं, तो सब क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, अभी वेट कर रहे हैं मेट्रो का, आने वाली है सब, 1 मिनट में आने वाली है, आ ही गए लोग। गाइस फाइनली पहुंच गए, अभी मेट्रो से एग्जिट किया है, और थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस उसको कवर करके हम चलते हैं आगे की तरफ। ये मैं थोड़ा बोला वो दिखा देता हूँ, मतलब बैक कैमरे से कैसा है, और चलते हैं अभी फटाफट। और अभी टाइम हुआ है 1:45, और एग्ज़ाम 2:45 का, यानी अपने भी 1 घंटा है। तो अभी देखता हूँ कुछ खाने पीने का मिलता है तो यहाँ पर खाएंगे, फिर अंदर आराम से मस्त एग्ज़ाम देंगे। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ,
तो अभी मैं गुड़गांव आ गया हूँ, गुड़गांव हरियाणा में पढ़ता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। कोई रेजिडेंट सोसाइटी वगैरह है, अभी मेरे को आगे से लेफ्ट टर्न लेना है, फिर मेरा आ जाएगा टाइम स्टार, इसके अंदर फिर जाके देखते हैं क्या सिस्टम है। और अभी यार कुछ खाने पीने का ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, वरना आगे चलते हैं अपना आपके हुंडई का शोरूम। तो भाइयों की कचोरी नहीं है, पूरा टाइम कवर है पीछे, ऐसे सारा टाइम कवर है, वो दिक्कत ना। और वहाँ पे थोड़े भाई मिल गए थे हमारे हरियाणा पंजाब से, तो उनसे बातें कर रहा था कुछ, तो चलते हैं। अभी 2 बजे हैं, 45 मिनट का पेपर है, मतलब 2:45 का पेपर है, पेपर तो 2 घंटे 15 मिनट का है, तो चलते हैं। अभी टाइम कवर यही है, इसको भी आना हो तो मैं बता दूंगा। भाई भाई बड़े दूर दूर से आया है, कोई सिरसा से आया, कोई महेंद्रगढ़ से आया, पंजाब से आया कोई, तो अभी खाते हैं थोड़ा यार, क्योंकि 2-2.5 घंटे का पेपर है, खाते फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे का क्या सिस्टम है। और बाकी टाइम स्टावर यही है, जो शीशे वाला दिख रहा है ना, ये है यही अपना बैटल ग्राउंड, यही है हमारे इंतजाम जो भी है काम बताएँ, तो आगे होपफुली क्लियर होगा और सबका क्लियर हो। भाई मैं तो यही बोलता हूँ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पीटी का एग्ज़ाम दो और अपना भाई अपना जो भी गोल आपका अचीव करो। तो अभी मैं खाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसके टाइम तार वाला ये है सेंटर, यही है पेपर अपना, तो चलते हैं और देखते हैं अपन पहुँच तो गए हैं। जीरे में ब्लॉग बना रहा भाई तुम्हारा भाई, और तो चलते हैं और देखते हैं क्या है, कैसे पता करना है। ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग। मतलब यार मैं इससे तो ज़्यादा यूज़ टू नहीं हूँ, इसके अंदर लाइट दिखती है ना मेरे को कैमरे के बगल में, तब मैं समझता हूँ कि हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई ऐसा सा था, उसके बाद भाई मेरा फ़ोन बंद करवा लिया था, क्योंकि अलाउड नहीं था अंदर फ़ोन को, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चालू करना। तो उसके बाद मैं अंदर गया, गार्ड ने मतलब वो टेम्परेचर वगैरह नापा और हाथ सैनिटाइज वगैरह करवाए, उसके बाद मैं अंदर गया था, अपनी एंट्री करवाई, मतलब पूछा था नाम क्या, हर्ष मित्तल, और पासपोर्ट दिखाया था, तो उसने एंट्री कर दी थी और एक शीट दी थी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो स्क्रीन पर, अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा साइड में। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, हाँ यहाँ पर, तो आप इसको पोज करके पढ़ लेना क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। बाकी वही होती है कि आप वो होते हैं कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, और वो कोविड वगैरह की पॉलिसी होती है। ठीक है, और एक वो होता है उसके अंदर ना चीज़ें बनी होती है कि भाई ये चीज़ें नहीं लेके जानी अंदर, जैसे मैं थोड़ी बता भी देता हूँ। कैमरा मतलब फ़ोन हो गया, कैमरा, घड़ी और ज्वेलरी होगी किसी भी टाइप की, कड़ा वगैरह हो गया, जैकेट, भाई सबसे बड़ी बात सर्दियाँ हैं अभी, जैकेट तो भाई सभी पहन के जाते हैं, लेकिन भाई जैकेट अंदर नहीं लेके जा सकते थे, बाहर हैंग करने का भी बना रखा था, मतलब लगाया हुआ था, हैंगिंग स्टैंड लगा रखे थे, और जो लॉकर देते हैं उसके अंदर भी, मैंने बोला सर मैं लॉकर में रखना चाहता हूँ, कह रहे कोई दिक्कत नहीं लॉकर में रख देना, तो लॉकर में मैंने अपनी जैकेट रख दी थी, फ़ोन वगैरह रख दिए थे, बैग रख दिया था, पानी की बोतल वगैरह, जो भी पैसे वगैरह मैं लेके आए थे सब कुछ, पैसे भी कैरी, हैंकर चीफ यानी रुमाल भी कैरी नहीं करना है, बिल्कुल खाली जेब होनी चाहिए, वो चेक करते हैं। तो फिर उसने फॉर्म वगैरह दिया था उस पर, ठीक है, फिर पूछा कि भाई एग्री करते हो पियर्सन के जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनसे, मैंने बोला हाँ सर, फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मेरी जो फेस मैच किया पासपोर्ट से, उसके बाद फिंगर स्कैनिंग हुई, मतलब फिंगरप्रिंट्स उसने पाम स्कैन करवाए थे, तो राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के बार बार रखवा रहे थे, मतलब वो स्कैनिंग कर रहे थे। उसके बाद सिग्नेचर हुए, डिजिटल नोटपैड पे सिग्नेचर हुए, उसके बाद एक फ़ोटो क्लिक की गई, उसके बाद हमें लॉकर की मतलब अलॉट किया गया कि तुम्हारा लॉकर नंबर 10 है, तुम इसके अंदर अपना सामान सारा रख देना, तो मतलब सारा सामान रख के, मतलब ऐसे ही नहीं है कि ये रख देना, ये नहीं बोलते रख दो, ये बोलते हैं। और वहाँ पर होता है, बता देते हैं कि पानी पीना है, अभी पानी पी लो, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जा सकते हो, तो वो बोल देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है, उसके बीच में उठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले सकते हो, या फिर कोई मतलब उसके अंदर ही लिखा होता है वो सब, वो आप पढ़ लेना अगर आप जाओगे तो। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारी एंट्री कर देते हैं, मतलब वो जाते हैं, फिर वहाँ पर एक बंदा होता है वो चेक वगैरह करता है, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ जेब वगैरह में है तो नहीं सामान वगैरह, तो वो सब होता है, मतलब जेब बोलते हैं बाहर निकाल के दिखाओ, अब वो ऐसे ऐसे बताते हैं कि ऐसे साथ मतलब करो, वो करना होता है। ठीक है, उसके बाद वो वापसी स्कैन वगैरह करते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैन करवाते हैं, नाम वगैरह पूछते हैं, पासपोर्ट से फोटो मैच करते हैं, और पासपोर्ट नंबर वगैरह मैच करते हैं, देखते हैं सब सही है ना, मतलब जेन्युइन है बंदा, तो ये सब चेक करते हैं। उसके बाद वो एक प्रोवाइड करते हैं एक इरेजेबल टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट तो वो हो गया ना अलग चीज़,
वो एक इरेजेबल नोट मतलब यार फाइल सी वो प्रोवाइड करवाते हैं करते हैं जिस पे हम लिख सकते हो, क्योंकि जो पीटी के पियर्सन के वो होते हैं मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर एक तो आपको स्पोकन समराइज नहीं रिटेल लेक्चर में लिखना होता है आपको, मतलब थोड़े बहुत लिखना पड़ता है ना, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रिपीट सेंटेंसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मेरे को 4-5 दिन में सब भूल गया मैं क्या क्या लिख के आया था। मैं डिक्टेशन में लिखना पड़ता है, फिलिंदा ब्लैंक्स में आप पे डिपेंड है, अगर आपको लिखना चाहे लिख सकते हो, वो आप अपने आप कर लेना। मिलती है वहाँ पे लिखने के लिए, कई बंदों को डाउट होता है कि भाई कुछ वो प्रोवाइड करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। हाँ अब सही है, प्रोवाइड करवाते हैं कि नहीं करवाते सब हो जाता है, टेंशन नहीं। वो मार्कर देते हैं, 2 मार्कर देते हैं, बोलते हैं चेक कर लो, अगर नहीं चल रहा है तो अभी बता देना, फिर बाद में चेंज नहीं होगा, वो ये बोलते हैं। इधर रखते हैं फ़ोन को। तो उसके बाद हमारा एंट्री कर दी जाती है, सिस्टम्स बता दिया जाता है, सिस्टम नंबर 10-5 मेरा 5 था तो उसमें मैं बैठा हुआ था, और मास्क मैंडेटरी है। और यार मैंने गलती कर दी जिसकी वजह से मेरा स्पीकिंग में स्कोर बहुत कम हो गया, बहुत कम। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा स्पीकिंग में इतना कम होगा स्कोर, क्योंकि उधर मास्क मैंडेटरी था और मैंने मास्क को मैंने उनसे बोला सर मास्क नीचे कर सकते हो स्पीकिंग में, उन्होंने बोला था नोज से नीचे कर लो, तो मैंने मतलब नाक तक लगा रखा था, मैंने यहाँ पर कर लिया। तो जैसे ही माइक होता है मैंने उसके अंदर बोला ना, तो यार पता नहीं उसने क्या हुआ, कैप्चर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ यार मेरा ये। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ मास्क की वजह से भाई मेरा स्पीकिंग में स्कोर कम हो गया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मास्क को चिन के पास रखो, यहाँ पर मत रखना, मैंने यहाँ पर रखा था जिससे माइक ने ढंग से कैप्चर नहीं करी मेरी वॉइस और मेरे को स्पीकिंग में बहुत कम स्कोर मिले। अगर मैंने मास्क चिन के नीचे क्या होता तो मेरे जो रीड अलाउड्स होते हैं वो अच्छे से आते, उसकी वजह से रीडिंग में स्कोर थोड़ा कंट्रीब्यूट होता और जिससे मेरे स्कोर 60+ भी हो सकते थे। मेरे 60+ स्कोर नहीं आए, मेरे को भाई हाईली चांसेस थे कि बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये था, बाकी मैं ना आपको एक लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वैसा ही होता है पियर्सन वालों की वीडियो, वो बिल्कुल इसके अंदर दिखा रखा है क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो वही था सब कुछ, और उसके बाद मैं अंदर गया, उन्होंने पासवर्ड वगैरह डाल दिया, होने के बाद 2 घंटे के बाद पेपर हो गया। उन्होंने कहा बजाओ, कुछ नहीं था वो, मतलब लॉकर के अपनी चाबी वगैरह दी, मतलब वो तो हमारे पास ही रहते हैं, हमारे पासपोर्ट और चाबी रहती है सिर्फ हमारे पास, और कुछ भी अलाउड नहीं होता अंदर। वो चाबी होती है, वो चाबी लॉकर में लगाई हमने, अपना सामान वगैरह निकाल लिया और चाबी को वापसी काउंटर पे जमा करा दिया और चले गए, क्योंकि और बच्चे भी बैठे होते हैं, उनका भी एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए चले गए थे। फिर कुछ नहीं था, मतलब ठीक था, हो गया था एग्ज़ाम। और भाई मेरा रिजल्ट आ गया था उसी दिन, जो कि सबसे अच्छी बात है पियर्सन वालों की। अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आइल्स का ही देना, आइल्स ही चलेगी, तो आइल्स का देना, वरना मैं आपको वो करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि भाई पीटी का एग्ज़ाम दे देना, रिजल्ट भी जल्दी आता है और आसान भी होता है थोड़ा आइल्स के मुकाबले। क्योंकि आइल्स में एक तो बंदे क्या करते हैं, लैग कर जाते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर, थोड़ा घबरा जाते हैं, अगर उनकी स्पीकिंग अच्छी भी होती है तो भी वो घबरा जाते हैं। एक तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा, और अपना देख के करना पीटी में भी भाई, इतना टेम्पलेट के भरोसे मत जाना। और अगर आप कहोगे तो भाई मैं भी अपनी टिप्स एंड जो ट्रिक्स होती हैं वो भी बता दूंगा, जो होता है और क्या नाम है बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। और अगर इस वीडियो पे अच्छा प्यार आया तो बढ़ा देंगे दूसरा पार्ट भी इसी वीडियो का, मतलब जल्दी ला दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा सा जो बाद का शूट था वो किया था, वो देख लो, उसके बाद हम बंद कर देते हैं वीडियो को और भाई ठीक है। घबराने वाली यार भाई, टाइम्स का और पेपर होगा बड़ा बढ़िया एकदम, चलते अब मेट्रो की तरफ वापसी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, दे दो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई ये सब था, ठीक है, मेरा रिजल्ट आ गया था उसी दिन 31 तारीख को 10 बजे मेरे पास पहुंच गया था रिजल्ट। और ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आसान होता है पेपर, ढंग से जाना, अच्छे से जाना भाई, सबके जो डिज़ायर स्कोर है वही आएगा, उससे ज़्यादा ही आ जाएगा, आसान होता है अभी पीटी का पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो अपना हैंड रेस करना, जो भी टीम होती है वो आ जाएगी, ठीक है, और यही होता है सब कुछ। तो एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा सबका, मैं दिल से दुआ करता हूँ। और प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है। और परसों हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर, उसके व्लॉग्स भी आएंगे, मतलब 4-5 वीडियो बनाऊंगा अच्छी अच्छी, तो उस पर भी प्यार देना। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, नहीं करा तो यार प्लीज़ यार कर दो, तो भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं।